खोर मेरा बच्चा है ना बेटा। तो इसे मैंने भून ली हूँ, अब मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ और इसे ढक के पका लूंगी। तो गाइस चलिए इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। अरिबा ने क्या पहन ली, साड़ी पहन ली? क्या पहन ली अरिबा, इधर देख के बोलो क्या पहनी? शाली 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 पहनी, शाली बाल बाल खुल रही है। क्या पहनी अरिबा ने? शाली दिखा, वो लोग को दिखा कि तूने शाली। अली अरिबा शाली पहन ली, दिखा 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 मम्मा दिखा। फिर से पल्लू दे को, पल्लू अल्लाह। क्या ले ली अरिबा ने? तो गाइस सब्जी बनके हो गई है तैयार और मैंने चखी और माशाल्लाह से बहुत यम्मी टेस्टी सब्जी बनी है, इसलिए गैस को करते हैं बंद। तो गाइस अभी मैं आई हूँ बेकरी में अपनी सासू माँ के लिए बिस्किट लेने के लिए, और इधर देखिए मेरी अरिबा। अगर आवाज अच्छा नहीं आया तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और यहाँ का कुछ व्यू आप सब देख सकते हो, बहुत ट्रैफिक हो जाती है रोड में। देखिए मेरी अरिबा, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे बिस्किट मिल जाते हैं, इसके लिए यहीं से ले रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम गाइज, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो गाइज अभी मैं बाहर गई थी जैसे कि आप सब ने देखे, और अभी मैं घर आ चुकी हूँ और देखती हूँ अभी मैं हो सके तो एक आध, ये ऐसे क्यों हो जाता है यार, अभी मैं सोच रही हूँ कि एक आध कोई शॉर्ट्स बना लूँ। तो देखती हूँ टेरिस पर जाती हूँ, शॉर्ट्स बनाऊँगी। आप सब प्लीज़ हमारे शॉर्ट्स वीडियो को लाइक किया करें और देखा करें। तो ठीक है चलिए बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप सबसे मिलूंगी, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी, फिर रोटी बनाऊंगी, फिर सब्जी बनाऊंगी, फिर बहुत काम रहता है, नाइट में भी ख़त्म नहीं होता तो ऐसा है। तो चलिए पहले देखती हूँ एक आध शॉर्ट्स बनाती हूँ, और आप सब प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ हमें भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। तो ऐसा है, तो चलिए जाती हूँ टेरेस पे। यहाँ पे ही है और अभी मैंने बनाई, आप सब प्लीज देखिए। ज्यादा महंगा भी फर्नेस ना लिएगा, ऐसा अल्फा वाला सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा। तो ऐसा ही देख सकते हैं आप सब, ये दुपट्टा मैंने कैंप से लिया है, तो ऐसा इधर अंधेरा भी है। इधर मेरा याज बैठा है और इधर मेरे हस्बैंड जी अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, और इस डायरी में इसमें मैं अपने अच्छा जितना भी शॉर्ट्स वीडियो में जो अपलोड करती हूँ वो सब इसमें मैं लिख के रखती हूँ। तो ऐसा है, और इधर मेरी अरिबा है। तो अब मैंने वीडियो बना ली, अब मैं जाऊँगी नीचे और खाना बनाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नीचे। तो गाइस यहाँ आलू बॉईल हो रहा और यहाँ चावल चढ़ाई हूँ। आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, बस आलू की सब्जी और चावल बना। मार्केट गई थी बिस्किट लेने के लिए, नान केट, जो मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी वापस जा रहे हैं वो इधर नहीं आ पाए क्योंकि उनको डॉक्टर ने मना किया था ट्रैवल करने के लिए, और मेरे ससुर जी को अब्बा के मुंह में बहुत जख्म हो गया था जिसके वजह से उनको डॉक्टर ने मतलब बार बार चेकअप के लिए बुला रहे थे। तो गुजरात और पुणे 13-14 घंटे का करीब रास्ता है, तो इसके लिए वो नहीं आ पाए। तो हम उनके लिए कपड़े ली वगैरह लिए हैं और नान केट वगैरह लिए हैं, तो मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने सूट ली अपनी सासू माँ के लिए, अच्छा है ये कॉटन का ड्रेस है और इसका दुपट्टा भी बहुत ही अच्छा है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये है ये सूट का पूरा लुक, इसमें पूरे सूट में वर्क किया हुआ है, और ये दुपट्टा है, और ये है इसमें धागे का पूरा काम किया हुआ है, आप देख सकते हो। तो ऐसा ही, और ये है हमारे अब्बू का ये शर्ट और पैंट, और साथ ही में हमने अपने दादा के लिए भी कपड़ा लिए हैं, ये हमारे दादा का कपड़ा है। तो ऐसा है, और इस बैग में है बिस्किट, निकाल के दिखाती हूँ। तो ये मेरी ननद लोग के लिए भी है और सासू माँ के लिए भी है, अभी इसे मैं ओपन नहीं करती हूँ, सासू माँ नहीं आ पाई, लेकिन वो अगर आती तो मुझे बहुत अच्छा लगता क्योंकि वो हमारे घर पे कभी आ नहीं पाए हैं, वो आते तो हमारा घर भी देख लेते और हमें भी अच्छा लगता और उनको भी अच्छा लगता,
हमारी अरिबा हुई तो उनको आना मतलब नहीं हो पाया, नहीं आए, तो आते तो अच्छा लगता। खैर जो अल्लाह चाहते हैं वो होता है, अल्लाह की मर्जी। खैर चलिए मैं इन सबको फोल्ड करके रख देती हूँ और खाना बनाने में फोकस करती हूँ। मैं रोटी बनाने वाली थी, नहीं हो पाया, बहुत लेट हो गया, वीडियो वगैरह बनाना था तो इस तरह से लेट हो गया। खैर चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़े टाइम से। आप सब प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा, प्लीज़ हमें लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और लाइक भी, और प्लीज़ कमेंट किया करें। कुछ लिखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में, और हमारा ब्लॉग आप सबको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो ऐसा ही, तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे। तो गाड़ी आज फिर से मैं जा रहा हूँ गुजरात। कौन सा गाड़ी की? कौन सी गाड़ी की? चुटकू जाने का? अरे बाप रे, कैसे ले पाएंगे? वैसे भारी है वो। फिर चलो अफसर जा रहा साथ में। हाँ तो ये सब जा रहे हैं अम्मी अब्बू से मिलने के लिए। हेलो लच, कैसे अरिबा? पापा को बोलो हल्लू जाइएगा। हाँ वालेकुम अस्सलाम, बाय अय्याज, अल्लाह हाफिज। अरे डॉगी पीछे पीछे जा रहा, देखो तो। पापा किधर गए? अरिबा कहाँ गए? गुजरात दादी दादा से मिलने। कोंडवा? ये कांदिया वही कोंडवा बोल रही है। हाँ। किधर गए चुटकू? कहाँ? कोंडिया गुजरात। कोंडिया ये क्या होता है? कोंडवा को कोंडिया। चलो हाय बोलो, ऐसे करो हाय गाइस। हाय दद्दू। अरे किधर गए पापा बेटू? सैयाज और उसके पापा गए हैं गुजरात अपने अम्मी अब्बू से मिलने के लिए। वो गांव जा रहे हैं, उनका इलाज अभी हो गया है और डॉक्टर ने उनको फिर से 3 महीने बाद फिर से बुलाया है। तो ऐसा है वो फिर से आने वाले हैं, तो ये उनको मिलने के लिए जा रहे हैं, वो जा रहे हैं इसके लिए। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे। तो गाइस अभी मैं टेरिस पे आई थी, वीडियो वगैरह बना रही थी और ये नेक्स्ट डे हो चुका है। तो ऐसा है, और जैसा कि आप सबको अभी मैं नीचे में बताई कि अय्याज और उसके पापा गए हैं, तो मैं थोड़ा सोची चलो थोड़ा टेरिस पे जाती हूँ, थोड़ा हवा वगैरह भी ले लूँगी क्योंकि इस टाइम ठंडी ठंडी हवा चलती है तो टेरिस पे अच्छा लगता है। तो ऐसा है, तो अभी जा रही हूँ नीचे, खाना वगैरह खा लूँगी और देखती हूँ अभी नीचे क्या करती हूँ। बर्तन भी वॉश करने का है और रोटी सब्जी बनाई हूँ आज, और अय्याज को दे भी दी डब्बे में पैक करके। तो ऐसा है, और ये देखिए आज मैं ऐसे तैयार हुई हूँ और वीडियो बनाने के लिए ऐसे तैयार हुई थी। तो प्लीज़ आप सब हमें सपोर्ट करें और हमारे जो शॉर्ट्स वीडियो है उसे देखा करें। तो ऐसा है, तो चलिए मिलती हूँ। और सानिया इधर बैठी हुई है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए घर काफ़ी सुना सुना सा लगने लगता है। आ जाएंगे वो बुधवार को आ जाएंगे। तो ऐसा है, और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हो, हमारे टेरिस पे से कुछ इस तरह से दिखता है। अच्छा लगता है शाम के टाइम में, हर टाइम तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे सुबह हो या शाम हो, कभी भी मैं आती हूँ। तो ऐसा है, तो चलिए अब जाती हूँ नीचे, खाना वगैरह खाती हूँ और ये वीडियो को एंड कर देती हूँ। कल से ये वीडियो चल रहा है, कल थोड़ा सा शूट वगैरह हुआ था और उसे मैंने एडिट भी कर ली, और आज के जो भी क्लिप होंगे इसे मुझे एडिट करना होगा और उसमें जोड़ूंगी। तो ऐसा है, बहुत मेहनत का काम है, बस आप सब सपोर्ट करते रहिए और हमें आगे बढ़ने का मौका दीजिए। और ये मेरी अरिबा है ना बेटू? क्या है बेटा वो? कुछ तो है इसके हाथ में, क्या है बताओ? कुछ तो है।
खैर चलिए, तो ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। तो ठीक है, बाय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।